एंड नाउ नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट में व्हाट इज द एक्सरसाइज क्वेश्चन, कलर द बर्ड यू फाइंड इन द स्टोरी। तो यहां पर देखो तीन बर्ड्स दिए हुए हैं। अभी में कहा गया है कि आपको कौन सी बर्ड आपको कहानी में देखने को मिला, जिसके बारे में आपने पढ़ा, कौन सा बर्ड। यहां पर पैरोट है, तो आपको पैरोट को कलर करना है, पैरोट के बारे में हमने पढ़ा ना। नेक्स्ट है टिक द राइट एंड क्रॉस आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। तो जो आपको यहां पर देखो कुछ स्टेटमेंट दी गई है, इन स्टेटमेंट्स में जो सही है उसको टिक लगाना है, जो गलत है उसको क्रॉस करना है। तो मैं बता रहा हूं आपको करना भी है। टू का ए में इट इज अ रेनी डे, तो बारिश का समय था। कैसा समय था? बारिश का समय था, रेनी डे था। ये क्या है? करेक्ट सेंटेंस है, स्टेटमेंट है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। नेक्स्ट बी में है पुस इज नॉट फीलिंग हंग्री, बोला जा रहा है कि पुस को भूख नहीं लगी थी, ये तो रॉन्ग है, भूख तो लगी थी। तो यहां पर क्या करना है, क्रॉस करना है। नेक्स्ट सी है पुस इट्स द पैरोट, यानी पुस ने पैरोट को खा लिया, खाया था क्या? नहीं ना, नहीं खा पाया, नहीं खा पाया था। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, इसको क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट डी द पैरोट जंप्स ऑन पुस, पैरोट जो है वो पुस पर जंप्स करती है, ऐसा होता है क्या? पैरोट जो है, पैरोट जंप नहीं करता है, कौन करता है जंप? पुस करता है। तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसको भी क्या करना है आपको, क्रॉस करना है। नाउ नेक्स्ट वन, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर इन योर नोटबुक। यहां देखो कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, सेंटेंसेस है जो अप्स एंड डाउन है, जो सीरियल वाइज में नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है। तो इसको आपको पढ़ना है, जो उस कहानी में फर्स्ट में हुई है उसको, उस स्टेटमेंट को पहले लिखना है। तो यहाँ फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट में होगा पुस इज फीलिंग हंग्री, तो फर्स्ट सेंटेंस ये होगा। सेकेंड, व्हाट विल द सेकेंड, सेकेंड होगा ही सीज अ पैरोट, वह पैरोट को देखता है। थर्ड में क्या होगा, ही होल्ड्स द पैरोट इन हिज पॉज। फोर्थ में क्या होगा, द पैरोट टेल्स पुस टू वॉश हिज हैंड्स। एंड लास्ट फिफ्थ में क्या होगा, द पैरोट फ्लाइज अवे। ये सीक्वेंस इसका होगा, इसी सीक्वेंस में आपको लिखनी है कॉपी में, यू हैव टू राइट इन योर कॉपी इन दिस सीक्वेंस। नाउ द लास्ट, नॉट लास्ट, क्वेश्चन नंबर फोर। यहां देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दी गई है आपको, क्वेश्चंस यहां पर है, आंसर आपको लिखना है। व्हाट इज द क्वेश्चन, फर्स्ट ए में है हु इज हंग्री, कौन भूखा है, कौन था भूखा, पुस। तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग हु इज हंग्री में, द पुस इज हंग्री। क्वेश्चन नंबर बी है Whom does puss want to eat? यानी पुस किसको खाना चाहती है, तो किसको खाना चाहती है, पैरोट को। What will be the answer here? You have to write here the puss wants to eat the parrot. है ना, ये लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी में है Where is the parrot sitting? पैरोट कहाँ बैठा था, तो पैरोट कहाँ बैठा हुआ था, पेड़ पर। What will you write the answer? तो the parrot is sitting on a tree. Next one. डी है हु इज मोर क्लेवर, पुस और द पैरोट। पूछा गया है कि ज्यादा चलाक कौन था, पुस चलाक या पुस या पैरोट, क्या होगा, पैरोट। तो यहां पर आप पैरोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द पैरोट इज मोर क्लेवर, पैरोट ज्यादा चलाक है। लास्ट क्वेश्चन ई, हु सेड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहां पर देखो कुछ सेंटेंसेस है और यहां पूछा गया है कि इन सेंटेंसेस को किसने कहा है, हु टोल्ड। तो फर्स्ट वन, फर्स्ट स्टेटमेंट है नाउ आई एम गोइंग टू ईट यू, अब मैं तुम्हें खाना खाने जा रहा हूं। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था, ये पुस ने कहा था ना, तो यहां पर लिखेंगे पुस। नेक्स्ट है यू मस्ट फर्स्ट वॉश योर हैंड्स एंड फेस, तुम्हें अपना हाथ और फेस को धोना है, धोना चाहिए। ये किसने कहा था, पैरोट ने कहा था, तोते ने कहा था। तो यहां पर इसका आंसर क्या लिखेंगे, पैरोट। नेक्स्ट वन, यू स्टैंड हियर एंड सी, तुम यहां ठहरो और देखो। ये किसने कहा था, किसने कहा था, यू स्टैंड हियर एंड सी, पुस ने कहा था, बिल्ली ने कहा था। तो यहां पर क्या लिखेंगे, पुस लिखेंगे। एंड द लास्ट वन इज दैट आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू टू ईट मी अप, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करने नहीं जा रहा हूं, तुम आओ और मुझे खा जाओ। ये स्टेटमेंट किसने कहा था, पैरोट ने कहा था। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, पैरोट। तो इस तरह से डियर चिल्ड्रन दिस चैप्टर कंप्लीटेड, ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन भी कंप्लीटेड हो गया, कंप्लीट हो गया, और ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।